अब चॉकलेट बाबा के आश्रम के बाहर खड़े हैं। उनके ही एक भक्त ने अपनी ही चिता बनाई है। बदली में इस आदमी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है चार्टर, तो ये चॉकलेट बाबा इसे मारकर हत्याना चाहता है। अरे हमारा बाबा तेरी तो इधर ला। अभी का अभी हम ऑर्डर देता हूँ, बाइज्जत बाबा जी को अंदर से बाहर लाओ। चौको 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 चौको। क्षमा प्रभु क्षमा। तुम तो मान गए इसलिए बच गए, लेकिन अगर ये नहीं माना तो इस आदि का अंत बहुत जल्द हो जाएगा। चंद चॉकलेट्स के लिए तुमने चॉकलेट बाबा को रिहा कर दिया। अरे मैंने कौन सा चॉकलेट बाबा की चॉकलेट खा के मुंह मीठा किया है? मिनिस्टर साहब का प्रेशर था यार। मिनिस्टर साहब? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्कर क्या है। मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं उन्हें पर्सनली जानता भी हूँ, फिर वो कैसे चॉकलेट बाबा की चॉकलेटी बातों में फंस गए? एक बात बताओ, हाँ? तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? मानव का है? अरे वो भी तो, अरे टीवी ऑन करो, इसके ऑन करो। हाँ कर रही हूँ। अरे क्या भूत प्रेत दिखते थे, न्यूज चैनल लगा, न्यूज चैनल। ऊपियाबंदी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे देश की सबसे बड़ी खबर। जैसे कि आप देख सकते हैं, जीवन लाल जी आज 108 चॉकलेट की माला पहनकर चॉकलेट बाबा के आश्रम में आए थे। फिर उन्होंने चॉकलेट बाबा के साथ बैठकर चॉकलेट मिल्कशेक पीकर एक सांस में चॉकलेट के बारे में चर्चा की, जिसके बाद इनका देहांत हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए क्या कारण हो सकता है इस मौत के पीछे? हाँ बोलिए। उम्र का तकाजा था और नॉर्मल हार्ट अटैक, शक की कोई बात नहीं। जीवन लाल का अंत निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आजकल मानव भी तो चॉकलेट बाबा का भक्त बना पड़ा बैठा है। चौको 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 चॉकलेट बाबा बहुत ही पहुंची हुई चीज निकले यार, जितना जमीन के अंदर उतना ही जमीन से ऊपर भी। क्यों ना हो, चॉकलेट बाबा ने ही जीवनलाल का मर्डर किया है, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि मर्डर किया तो किया कैसे। सर, मैं मिलन मिल में आपसे मिलने के लिए पहुंच गया हूं सर, आप कहाँ मिलेंगे सर? घंटा भर हो गया यहाँ से वहां दौड़ाते हुए, अब एक ही सहारा यार, GPS। अपुन को याद किया भिड़ू? अरे तुझे नहीं, GPS को। अरे अपुन ही तो है GPS, गणपत राव पांडू राव शानपत्ति GPS। सकल नाशपत्ति और राम से शानपत्ति। अरे सर मत बोल भाई, मेरा सर पड़ जाता है। सर वो गोगोल को बोल रहा मेरे भाई को, मैं उसका जुड़वा भाई हूँ, कितनी बार समझाऊं समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? अच्छा चल बोल बे खबरी। तमीज में कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही क्या? मतलब बोली खबरी जी कि ये जो चॉकलेट बाबा है इसका मसला क्या है? ये वो मोटा किधर है? कौन वो मोटा? हाँ बना हुआ है इस समय चॉकलेट बाबा का लोटा। क्या बोल रहे? अरे सही बोल रहा हूँ, मुद्दे की बात पे आओ ना यार। मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, माशाल्लाह क्या बात है, शायर का ख्याल देखिए। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, इंसान वही काटता है जो बोता है। देखो खबरी, कोई मुशायरे में नहीं आए, तुमसे मशवरा लेने आए, मशवरा दो। सॉरी यार भाई, तेरा लाड़ में आ गया था क्या, कि मेरे अंदर का शायर के अंदर का फायर है ना, वो जरा जाग गया था। तो क्या पानी डाल के बुझा दूं उसे? अरे ऐसा बुझने वाला नहीं है यार, अभी तो मुद्दे से हट रहे ले यार। तो मुद्दे पे आना, बताना कुछ इन्फॉर्मेशन। लाओ ना भाई, ये जो चॉकलेट बाबा है ना, हाँ। एक जमाने में धनिया बाबा का चेला था। धनिया बाबा का चेला? हाँ। कौन है धनिया बाबा, मैं तो कभी नहीं सुना इनके बारे में। अरे धनिया बाबा को नहीं जानता? नहीं। अरे क्या पुलिस में चने बेच रहा है क्या? अरे धनिया बाबा मेरे भाई, धनिया के पेड़ के नीचे बैठ के सिद्धि प्राप्त किया धनिया बाबा। बाबा है कि बेबी है?
अरे वैसे भी धनिया के बाद इतना सा होता मतलब इतना होता हाँ। वैसे भी बाबा ने उस पेड़ के नीचे बैठ के सिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने। अरे भाई ये धनिया की बात कर रहा तो खसखस के झाड़ के नीचे भी घुसते हैं बाबा लोग, कहाँ कहाँ घुस के सिद्धि प्राप्त करते हैं मालूम है, कब्रिस्तान में, शमशान घाट में जादू टोना करते, अधनंगा भूतों से पंगा लेके बाबा बनते भाई। अरे तू नन्ही सी अकल पे टेंशन का धान क्यों उगा रहे है, तू चॉकलेट बाबा पे फोकस करना। अरे बाबा मेरा मतलब है खबरी, तो मुझे सिर्फ इतना बता दे, ये धनिया बाबा ने चॉकलेट बाबा को जादू करना सिखाया, लेकिन ये क्यों सिखाया? अरे बाबा उसने चॉकलेट बाबा ने खाली जादू की धप्पी मारना सिखाया था, लेकिन वो बड़ा शाना निकला, लोगों को जादू का झपाड़ा मारने लगा। अरे वही तो, सबको पता है कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत कोई गवाह नहीं मिला। और जादू पता कैसे करता है, जैसे कोई भगवान हो, समझ में नहीं आता ये करता कैसे। लगता है इसको करके दिखाना पड़ेगा। इतनी बात बिस्कुट बाबा। अरे तू भी वो धनिया बाबा का चेला तो नहीं है? अरे मतलब ये किया कैसे? शाने लोग बोलते हैं जब जागोगे सवेरा होता है, अपुन क्या बोलता है और से देखो, चिराग तले अंधेरा होता है। चिराग तले चॉकलेट बाबा, अब देख कैसे तेरा खेल खत्म करता हूँ। चलता हूँ। बाबा चौको, मैं सोच रहा था कि खिलाओ, कब तक मैं वो फिश के पुजारी बोका पाटा कमिश्नर के लिए काम करता रहूंगा? अब मैं भी जवान हो गया हूँ, मुझे कमिश्नर बना ही दीजिए। मेरे भोले लॉलीपॉप, शीघ्र ही हम नेताजी से संदर्भ में बातचीत करेंगे और निश्चित ही तुम्हें पदोन्नति दी जाएगी। खिलाओ। क्या 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 बोले, क्या बोले समझाओ? मतलब बाबा जी नेताजी से बात करेंगे तुम्हारे प्रमोशन के लिए। अरे वो प्रमोशन वाली बात मैं समझ गया, आप लॉलीपॉप क्या बोले? हम तुम्हें समझाते हैं, आज से तुम हमारे शिष्य हुए, जैसे स्ट्रॉबेरी और वेनिला। हमने तुम्हें नया नाम दिया है, आज से तुम हमारे लॉलीपॉप हुए। लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। मैं जाया पढ़ो। अपने बाबा से कह दे कि जितनी टॉफियां खाना है खा लें, क्योंकि जेल में टॉफी नहीं मिलती। अभी हम अंगूर खा रहे हैं। और तू भी खा ले, क्योंकि अब तो तू भी गया, मैं इंस्पेक्टर आदित्य आ रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? तनिक रुको रुको, हमारा हाथ लो। क्या कर रहे हो? सॉरी बाबा, सॉरी। उठो बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये आधी 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 नहीं, पूरी बात बताओ मूर्ख। हाँ पूरी बात ही बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर आदित्य का दिमाग घूम गया है, वो यहाँ पर आ रहा है आपको अरेस्ट करने। अच्छा, ये हमारा आश्रम है, यहाँ हमारी आज्ञा के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे वो परिंदा नहीं है बाबा, वो दरिंदा है, और वो पर नहीं मारेगा, गोलियां मारेगा, गोलियां। तुम शांत हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है ये हमसे अधिक शक्तिशाली है? ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तो है बाबा, आपकी शक्तियों का अंदाजा किसी को नहीं है। वो क्या आपने तो दिखाया था वो चाकू कैसे आर पार और फिर घाव गायब। बाबा वो वाली शक्ति जरा आप मुझे भी सिखा दीजिए ना, कैसे वो घाव गायब होता है। ना ना सिखाइए ना। अरे सिखाइए ना बाबा। अरे बाबा प्लीज। क्या कर रहे हो? नहीं वे नहीं कर रहा, मतलब स्लिपरी है थोड़ा, इसलिए खिसक गया। शक्ति के लिए बहुत सारी भक्ति की आवश्यकता होती है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है। अभी तुम बालक हो, थोड़े बड़े हो जाओ। इससे बड़ा हुआ बाबा तो मैं फटी जाऊंगा। इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो लॉलीपॉप? धैर्य रखो। अरे कहाँ रखूं, सारी की सारी जेबों में तो चॉकलेट भर रखी है, अब धैर्य कहाँ रखूं? और वैसे भी आप इतने जो कूल बन रहे ना, एक बार वो इंस्पेक्टर आदित्य आएगा ना, आप देखिए आप कितने व्याकुल होते हैं। एक और मैसेज आ गया। पढ़ो पढ़ो। अब तो आ रहे
रहा है वो बस आ रहा है मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पूछ रहा है बाबा वो आ जाएगा। पापा मैं तो छिप रहा हूँ। आने दो, घबराहट हो रही है। मैं कहाँ छिपूँ? ये आप कर रहे हो? मैं छिपना चाहता हूँ। ये ऊपर वाले, अगर मैं चौको बाबा का सच्चा भक्त हूँ तो छिपा ले, मुझे कहीं छिपा ले। क्या करेंगे बाबा जी? अब करेंगे और क्या? नेताजी को फोन करो। ये क्या है यार? ऐसी अजीब और गरीब जगहों पर मैं क्यों फंसता हूँ? कोई है? हेलो, 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 कोई है? देखो सर, अगर ये फाइल बार बार ओपन शट करेगा तो ये जो केस है तो ओपन एंड शट केस हो जाएगा। अब बार बार क्यों इधर टुकुर टुकुर देखता है? आराम से इधर बैठो तो। हम तब तक जाके आराम नहीं कर सकता हूँ जब तक कि चॉकलेट बाबा को तुम लोग परेशान करना बंद नहीं कर देते। प्रणाम बाबा। का? कहे? कैसे? अरे इंस्पेक्टर मानो को? नहीं नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। प्रणाम सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर मानव को? मानव ठीक तो है? मानव तो ठीक है लेकिन आगे जो कुछ होने वाला है वो बिल्कुल नहीं ठीक नहीं है। अब डिटेल में बताओ हमको क्या 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 होने वाला है। चॉकलेट बाबा का फोन था, बोल रहे हैं कि इंस्पेक्टर मानव को कमिश्नर की कुर्सी पे बैठा दो। ये कुर्सी पे? अरे वो मानव बैठेगा ये कुर्सी टूट जाएगा। परसों रिपेयरिंग करके लाया इधर से। सर टूटी हुई कुर्सी तो जुड़ जाएगी सर, लेकिन आपकी फूटी हुई किस्मत कौन जोड़ेगा? मेरा मतलब है सर, सर मानव को कमिश्नर बनाने की बात कर रहे हैं सर। बाबा मानव और कमिश्नर? अरे वो हमको मिलेगा ना उसको प्रिजनर बनाऊंगा। प्रिजनर? आप उसको कमिश्नर बनाते हैं? अरे हम नहीं बनाना चाहते हैं भाई, हम तो खुद ही परेशान हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, भाई ने भाई को गद्दी दिलाई। क्या मतलब? देखो मानव डीजीपी का साला है ये बालू भाई, आपका भाई है ये तो हमको मालूम नहीं था, आपने बताया भी नहीं हमको। ए आदि ये क्या बक रहे हो? मानव हमारा भाई कैसे हुआ? क्यों आप दोनों तो गुरु भाई है ना, मानव भी चॉकलेट बाबा का शिष्य, आप भी चॉकलेट बाबा के शिष्य, शिष्य शिष्य भाई भाई, यही तो परंपरा चलती आ रही है इस देश में। ए बुड़बक। यस सर। देखो ज्यादा हमसे ना उलझो मत, अगर वो इंस्पेक्टर मानव ना कमिश्नर बन गया तो सिटी का सीटी बच जाएगा। अरे आपको सिटी का इतना फिकर था तो बाबा का चॉकलेट रस में क्यों डूबा? चॉकलेट रस में कहां सर, ये तो पानी में डूबे। दरअसल सर कुछ साल पहले की बात है, मंत्री जी काफी मूड में चल रहे थे तो एक दिन मंत्री जी जो है वो छोटी सी शॉर्ट्स पहनकर अब स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे। अचानक से मंत्री जी ने देखा कि एक जवान सी लड़की डूब रही है सर। तो मंत्री जी के अंदर की इंसानियत जागी और मंत्री जी ने छट करके लड़की को बचा लिया, है ना सर? ओ, अच्छा बात है। हाँ सर लड़की बच गई, अच्छी बात हुई, लेकिन एक बुरी बात भी हो गई कि मंत्री जी की इज्जत डूब गई सर। वो कैसे? सर जब मंत्री जी लड़की को अपनी बाहों में भरकर, मेरा मतलब है बाहों में लेकर बाहर आ रहे थे पानी के, तो उनके शरीर से पानी छलक रहा था सर, और इस छलकते हुए दृश्य की किसी ने झलक करके फोटो खींच ली, और अब वो फोटो सर चॉकलेट बाबा के पास है। क्या बात करता है सर? अंदर की बात है सर। आदि सर, सर एक्चुअली सर जो जो मुझे पता था सर, मैंने तो सिर्फ सर 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 कंट्रोल 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 होता है सर, होता है सर, होता है सर।
आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब क्या बताएं भैया, हमने सोचा डूबती कन्या है बचा ले, लेकिन वो चॉकलेट बाबा की भेजी भी इस कन्या निकलेगी, अब हमको क्या पता, फंस गए उसके चक्कर में। और जस्ती बाबा की भक्ति करनी पड़ रही है तो अलग, मजबूरी में बाबा की टांगे दबाते रहे, पीठ दबाते रहे, सर दबाते रहे, और रू बाबा ना गला दबा दिया। सर, 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 सर पानी पीजिए। होता है पीठ मानू सर, टकरा टकर। एक बात बताओ सर, तुमको हमारा अंदर का बात कैसे पता चला? सर हमको तो अंदर का और बाहर का सब बात पता चल ही जाता है सर, पुलिस में है सर। लेकिन फिलहाल बाबा पे फोकस करते हैं सर, बाबा की सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, आप परमिशन दीजिए सर, छट से बाबा को अरेस्ट करके लेके आता हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, ये इस तरह हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो उस तरह से कर लेते हैं सर, मेरे कहने का मतलब है इस तरह से करें या उस तरह से करें, हम चॉकलेट बाबा को अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते सर? ऐसा करने से क्या होगा, उसको पब्लिक का और सपोर्ट मिलेगा, फिर वो चॉकलेट बाबा से केक बाबा बनेगा, आइसक्रीम बाबा बनेगा, पूरा बेकरी बनेगा, यानी का बड़ा बाबा बन जाएगा। सबसे पहले हमें उसका पर्दाफाश उसके फॉलोअर्स के सामने करना पड़ेगा, और उसकी असलियत सबके सामने लानी बहुत ही जरूरी है। ठीक है सर, लेट द वॉर बिगिन। यस कॉर्बो ईद बोरे। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? बाबा की टॉफी खा। चौको चौको बाबा, अरे वेनिला, स्ट्रॉबेरी, अरे कसाटा, केसर पिस्ता, कोई तो सुनो। अरे बाबा जी, ये कौन से चौको डिप में मुझे गिरा दिया, अरे बाहर निकालो, कोई तो निकालो। कितना भी चीख ले कोई फायदा नहीं होगा, तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। भाई साहब, ये आप बोले? कौन कौन है? चौको 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 चौको। बाबा कल रात मुझे माता का ईमेल आया था। माता ने तुम्हें फ्रेंड बुक पे बुलाया था? नहीं नहीं बाबा, स्ट्रॉबेरी माता का ईमेल आया था, और उन्होंने बताया था कि इंस्पेक्टर आदि भी आपके शिष्य बन गए हैं, क्या ये बात सच है? सत्य वचन, सत्य वचन। आइए आइए दरोगा साहिब, आइए। चौको 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 चौको। आयुष्मान भव, लीजिए ये टॉफी खाइए, काला खट्टा, आज से इनका नाम काला खट्टा हुआ। चौको 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 चौको। थैंक यू चौको बाबा, थैंक यू। ना ना, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, टॉफी खानी पड़ेगी। चौको बाबा, टॉफी तो मैं खा लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त लगाना? गंदी बात, गंदी बात, गंदी 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 बात तो ये होगी बाबा जी कि आपको खिलाने से पहले मैं खा लूं। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे समझाया है कि पहले बड़ों को भोग लगाओ और फिर खुद खाओ। तो बाबा जी, क्या मैं आपको भोग लगा सकता हूँ? एक मिनट, काला खट्टा, हमारे पति इतना सम्मान देकर हमारा हृदय गदगद हो गया, आओ हमारे बगल में बैठ जाओ। बाबा जी, मैं ऊपर आके आपके साथ बैठूं? आओ। ए, चौको चौको बाबा, चौको बाबा, चौको चौको बाबा, चौको चौको बाबा। आपने अपने ये भक्त की ये तमन्ना पूरी करके, चौको चौको बाबा, चौको चौको बाबा, चौको बाबा, चौको बाबा, चौको बाबा। देखा, हमने अपना वचन पूरा कर दिया,
अंततः तुम्हें हमारे समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। अब आजीवन भर तुम हमारे पांव की धूल चाटना। कौन किसके पैरों की धूल चाटेगा ये तो अगले 15 मिनट बताएंगे बाबा। 15 मिनट में कैसे? क्योंकि अभी अभी जो चॉकलेट मैंने आपको खिलाई ना बाबा, उसमें वही केमिकल है जो आपने जीवन लाल के चॉकलेट शेक में मिलाकर उसे पिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई थी। पॉली सल्फो साइनाइड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.